नीता थी। आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? बस फिर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। उस मैच मेकर को तो मैं संभाल लूंगा, आप बस अपने चेहरे पर स्माइल रखो ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और अगर बीजी राशि ना हुई तो? मीता दी, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्यों मीता दी को झूठे सपने दिखा रहे हैं? क्या ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो पूरे नहीं हो सकते? तुम ऐसा क्यों कह रही हो प्रीतो? मीता दी के सपने पूरे होंगे, हम करेंगे। नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें बीजी और पापा जी की रजामंदी ना हो। और मैं मीता दी को भी ऐसे सपने नहीं देखने दूंगी जो टूट जाए, क्योंकि इनके टूटे हुए सपने ना मैंने इनकी आंखों में से आंसू बन के बहते हुए देखे। मैंने और होता हुआ नहीं देख सकती राजवीर। प्रीतो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मीता दी को उनके प्यार के बदले आंसू मिले, खुशियां नहीं? क्योंकि मैं बीजी के मन की बात जानती हूँ कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचती है। आपको नहीं पता, लेकिन बीजी ने पंकज को घर बुलाकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूँ प्रीतो, पंकज ने मुझे सब कुछ बता दिया था। आप सब कुछ जानते और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? तो प्यार करने वालों को एक करना तुमने मुझे सिखाया था, भूल गए जस्सी और चौकी, ध्रुव और स्मित? हाँ, लेकिन यह बात अलग है, मीता दी अलग है। कैसे? मीता दी तू बता कि ये फैसला तो इमोशनल होकर कर रही है, बता। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं पंकज से सच में प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। सुन लिया प्रीतो, हमें पंकज और मीता दी की मदद करनी चाहिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तुमने हमेशा प्यार का साथ दिया है, तो आज इतना क्यों सोच रही हो? हमें इनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं मीता जी का साथ दूंगी, जिसमें मीता जी की खुशी उसमें उनकी बहन की खुशी। मुझे पता था प्रीतम थैंक यू मत बोल, मैं पहले बीजी को मनाना पड़ेगा। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं बीजी से बात कर लूंगा। लेकिन मीता जी, उससे पहले तू बाहर जा, सब बाहर है और तू ऐसे अंदर अच्छा नहीं लगता। जाऊं? स्माइल कर, हंसते हुए। मीता दी भी ना छोटी छोटी बात पर रो पड़ती है, तुम क्या सोच रहे हो? जिमी, क्या सोच रही हो? वो कल के बारे में। कल? हाँ, मॉम ने अपनी फ्रेंड के बेटे से मिलने को कहा है, कल जाकर मिलो। क्यों? शादी के लिए। शादी? क्यों भाई, किसकी शादी की बात चल रही है? अब वो कुछ नहीं बीजी, वो राजवीर और मैं बात कर रहे थे कि कौन सी शादी अच्छी होती है, मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज, है ना? मैं कुछ बोलूं? वैसे तो सब नसीबों का खेल होता है, पर हमारे में अरेंज मैरिज अच्छी मानी जाती। बीजी, एक्चुअली मैं सिमी से ये पूछ रहा था कि अरेंज मैरिज की 3-4 मुलाकातों में आप कैसे बता सकते हैं कि लड़का अच्छा है या बुरा? हमारे जमाने में तो एक ही मुलाकात होती थी पुत्र, और तलाक भी कम होते थे। बीजी, आपके जमाने में लोग सीधे शादी हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो झूठ और फरेब हर तरफ फैला हुआ है। धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल। देखिए, तभी तो आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की शादी में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं।
जांच परख कर ही उनका रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जांचे परखे। आखिर उन्हें ही साथ में रहना जिंदगी भर, क्यों बीजी? बड़े भाई, आपका मतलब कि आजकल के माँ बाप को तो समझ ही नहीं है कि रिश्ता कहाँ करना है। वो अपनी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में दे देते हैं। समझ होती है, लेकिन ये कौन बताए कि जो रिश्ता लेकर आ रहा है वो भरोसा करने लायक है या नहीं? अब किसी के चेहरे पर तो उसकी सच्चाई नहीं लिखी होती ना। बीजी, मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आजकल के जमाने में जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए, आप अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो एक अजनबी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? रितो, खाना लगा, मास्टर जी को भी फोन कर ले, पता कर ले कहाँ है वो। बानिया, मेरा हाथ बटा अंदर। जी, आप अचानक उठकर आ गए, मेरी किसी बात का बुरा लगा आपको? ना पुत्र, तेरी किसी बात का कभी बुरा लगा है मुझे? तो बीजी, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। बोल। वो मनाली में पंकज को मैंने ही उकसाया था कि वो अपने दिल की बात मीता दी से जाकर कहते। मैं जानता हूँ पीछे आप मेरी इस बात का आपको जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन पीछे ऐसा करने के पीछे मेरे पास एक वजह थी। मैं इस घर की भलाई चाहता हूँ। मीता दी की शादी, उनकी खुशियाँ मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए है। और पीछे पंकज अच्छा लड़का है, और मुझसे ज्यादा तो आप उसे जानती हैं। आपने तो उसे बचपन से देखा है। आप बताइए, आपने कभी पंकज में कोई बुराई देखी है? उसकी नजर में, उसकी नीयत में कभी कोई खोट देखा है? नहीं ना, तो फिर आप क्यों? बचपन से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। वो लड़का कभी बड़ा नहीं होगा, कभी नहीं। बचपन तो गुजर जाता है राजवीर, लेकिन जिंदगी काटनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं। तू चाहता है मैं उसने ठल्ले के हवाले कर दूं अपनी बच्ची को, उस बेअकल के? नहीं बीजी, मैं भी ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि पंकज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इस लायक बन जाए कि वो मीता दी की सारी जिम्मेदारियां उठा सके। लेकिन बीजी, उसके लिए आपको उसको एक मौका दें। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ उसे, और माना कि आज उसे नौकरी मिल भी गई, तो क्या भरोसा है कि कल वो घर में नहीं बैठेगा? बोल। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शादी के बाद पापा जी की भी तो नौकरी चली गई थी, लेकिन आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ पुत्र, इसीलिए चाहती हूँ मेरी बेटी उस दौर से ना गुजरे। और एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, जहां तक मीता की भलाई का सवाल है, तू एक माँ की जगह नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कल रंजीत का दोस्त आ रहा है घर, वो रिश्ते जोड़ता है लड़के लड़कियों के बीच, हो सकता है वही कोई बात बन जाए मेरी मीता की। और जो तुझे तेरी बहन की खुशियों की थोड़ी भी चिंता हो तो आ जाना कल। हाँ बीजी, मेरी कल छुट्टी है, मैं जरूर आऊंगा। चल, मुझे खाना लगा। क्या हुआ? बीजी नहीं मान रही प्रीतो, पंकज को ही कुछ करना पड़ेगा। कल मैं उस मैच मेकर से तो निपट लूंगा, लेकिन तुम्हें पंकज को जाकर सब कुछ समझाना पड़ेगा। एक बार उसका काम शुरू हो जाए, उसके बाद ही बीजी को मनाना आसान होगा। ठीक है, फिर मैं कल जाके पंकज से बात करती हूँ। वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो सारे बच्चे एक साथ हैं। सब आइए ना खाने के लिए, आइए आओ। कल जरूर जाना, हम इंतजार करेंगे तेरा। जी। बाय। नहीं, तुम मुझे घर पे ड्रॉप करोगे, वो क्या है ना
मैं भाई और भाभी के बीच में हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। चलो बीजी नहीं मान रही क्या पंकज और मीता के लिए? मीता दी ने क्या कहा? वो तो पंकज से शादी करना चाहती है। हे भगवान, आई होप उन दोनों की शादी हो जाए। भगवान करे बीजी मान जाए। पता नहीं दो प्यार करने वालों के बीच में ऐसी मुश्किलें क्यों आती हैं। लेकिन चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं उन दोनों को मिलाकर रहूंगा। वैसे एक बात बोलूं? क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम प्यार पे इतना यकीन करने लगोगे। सच बताओ ना राजवीर, तुम्हें अभी तक इतने सालों में किसी से प्यार नहीं हुआ? पता है आज लव मैरिज के लिए तुम्हारा वो डेडिकेशन देख के और वो इतनी तरफदारी जो तुमने की, मैं शॉक हो गई थी उसको देख के। ऐसा लगा जैसे तुम्हें किसी से प्यार हुआ हो। तुम्हें सच में किसी से प्यार हुआ है? बोलो ना, कौन है वो ऐसी जिसने इस पत्थर के अंदर फूल खिला दिए? तुम मेरी छोड़ो ना, ये बताओ कल किस मछुआरे से मिलने जा रही हूँ? चुप करो तुम, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, मॉम कह रही है इसलिए जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। अरे यार मम्मी क्या करेगी, तुम खुद ढूंढो ना अपनी पसंद का लड़का, अब फिर उससे मिलो, दोस्ती करो, उसको जानो समझो, फिर प्यार करो और फिर शादी, समझी? मैं तो समझ गई, लेकिन ये बात मॉम को कौन समझाएगा, उनके लिए मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। ओके रे, ऑल द बेस्ट। क्या पता ये मछुआरा ही तुम्हें अपने जाल में फंसा ले। तुम ना कभी नहीं मानोगे। सॉरी।